Welcome to my channel, beautiful people, and I'll show you today a beautiful place you have never seen before, never heard before. और ये फॉरेस्ट ट्रस्ट हाउस का स्टे है. गुड मॉर्निंग भैरव घाटी. वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का यहाँ पे स्टे ऑप्शन है. बंगलोज भी हैं और रूम्स भी हैं, लेकिन इनको बुक करने के लिए आपको FRH की उत्तराखंड FRH की वेबसाइट पर जाके वहाँ से बुक होगा. और ये है वो GMVN का नया स्टे ऑप्शन जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है. इस जो है लिखा हुआ है गूगल के ऊपर कि ये फंक्शनल है, बट ये फंक्शनल नहीं है. ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है. इस टाइम पे है बहुत अच्छा बना रहे हैं अगर मैं देखूँ तो. जी काफ़ी अच्छा लग रहा है जी. इसका इंटीरियर वगैरह भी देखें तो इट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल फाइंडिंग इट. उधर भी कुछ कुछ है. जब तक रेडी नहीं हो जाता, जब ये रेडी हो जाएगा तो GMVN की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा. जब GMVN की वेबसाइट के ऊपर आ जाए तभी आप इसको बुक करो और तभी आप इसको इसके भरोसे पे आओ. और क्योंकि GMVN गवर्नमेंट के स्टेज जो होते हैं वो हमेशा ही बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस पे होते हैं. तो अगर आप देखोगे तो ये भैरव घाटी में बहुत ही प्यारी जगह है. और सामने जो दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जिसमें हमने रात को स्टे किया है. गरतांग गली जाना है और आपको निलोंग वैली जाना है तो यूजली लोग जाके हर्षिल रुक रहे हैं या फिर गंगोत्री रुक रहे हैं. बट बेटर ये होगा कि यहाँ पर रुकें, आई मीन यहाँ एज इन भैरव घाटी रुकें. भैरव घाटी में ऑप्शंस हैं बट वो कहीं पर भी मैप पर अवेलेबल नहीं है और वैसे अवेलेबल नहीं है तो लोगों को पता नहीं है. बट अगर आप देखेंगे तो सामने छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने कमरे बना रखे हैं. इसके अलावा अगर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं होगी जो कि, क्योंकि इन लोगों ने हर रेस्टोरेंट वालों ने, छोटे छोटे ढाबा है इन्होंने, अब एक एक रूम दो दो रूम इस तरह करके बना रखे हैं जो कि मैप पर नहीं दिखते हैं. सो आई वुड प्रेफर कि आप जब भी आओ और निलोंग के लिए प्लान कर रहे हो, गरतांग के लिए प्लान कर रहे हो तो यहाँ आओ. यहाँ आके रुको. लोग यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मुझे बड़े सपोर्टिव लगे, टूरिज्म को सपोर्ट करने वाले. तो हमें FRH में भी मिल गया स्टे और उसके अलावा इसी रूट पे आगे लंका ब्रिज से आगे जाते हैं हम हर्षिल के साइड में, वहाँ पे एक पुलिस चौकी भी है. वो पुलिस चौकी भी है जो काम आ सकती है इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी के पास कोई स्टे ऑप्शन नहीं है. अदरवाइज ये प्राचीन भैरव मंदिर है और इस प्राचीन भैरव मंदिर के अंदर भी धर्मशाला है जिसका नाम है बाबा काली कमली यात्री नवाज. यहाँ पे भी आप आके स्टे कर सकते हो. और ये मैंने आपको दिखाया ही कि फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है. इनका एंट्री गेट ये है, बिल्कुल प्राचीन मंदिर के सामने है. ये बिल्कुल सामने आप यहाँ से एंटर करते हो और नीचे जाते हो. और इसके बिल्कुल सामने ये GMVN वाला है
और ये बनाए इतना अच्छा रहे हैं कि नीचे पार्किंग पार्किंग भी बहुत अच्छी बना रहे हैं लोगों ने, छोटे छोटे से रेस्टोरेंट से। प्लीज तक आपको GMVN की वेबसाइट के ऊपर ये ना दिखे कि वो लिस्टेड है, तब तक आप ऑफलाइन बुकिंग की उम्मीद में मत आना। इसके सामने लक्की ढाबा, सामने GMVN, ये भी ढाबा है। मैं अपने बंगलो का दिखाती हूँ, ये इस बंगलो में हमने स्टे किया था। सो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस GMVN के स्टे के ओपन होने के लिए। गंगोत्री में बहुत क्राउड होता है, हर्षिल अपनी ब्यूटी के लिए अलग फेमस है। और यहाँ हमारे साथ वाले लोग, भैया ये कितने टाइम से रेडी हो तैयार हो रहा है, ये तो इस साल में होगा, कब से शुरू किया इसको? ये तो बहुत हो गया, दो साल लगे थे, दो तीन साल हो गया। ओके, तो ये पिछले दो तीन साल से बनना स्टार्ट हुआ है, अच्छा बन रहा है, पेड़ बूर कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, अंदर से ना, अंदर से तो रेडी है, दूसरे सीजन मतलब नेक्स्ट अगले साल, अगले साल। और यहाँ पे यात्रा किस टाइम पे होती है? अप्रैल में होता है, तो बहुत भीड़ होती होगी। भीड़ तो होता है, अभी चालू नहीं, नहीं, नहीं ये चालू नहीं है, तो इसके चालू होने के बाद लोगों को और भी आराम हो जाएगा ना। रियली कह रहा हूँ, बरतान गली के लोग काफी लोग है जो लोग आ रहे हैं। हाँ, अभी भी आ रहे हैं, तो वो आपको भैरव घाटी में कितने लोग रुकते हैं? मेरे भैरव घाटी यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं फिलहाल, इसलिए नहीं रुकते, बट यहाँ व्यवस्था है रुकने की। रुकने की अभी बनेगा, बन ही रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप FRS में रुक सकते हैं, आप यहाँ पे रुक सकते हैं, तो यहाँ पे व्यवस्था तो है, लेकिन पता नहीं है लोगों को, ठीक है। और दूसरी चीज जो है कि अगर किसी को रुकना होता है तो या तो हर्षिल रुक रहे होते हैं, हर्षिल तो जो क्योंकि वो वेल डेवलप्ड है, और जो रिलीजियस लोग हैं वो उधर आते हैं, गंगोत्री वाली साइड आते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा करना चाहते हैं कि एनकरेज करना चाहते हैं कि लोग यहाँ पे भी आके रुकें, यहाँ पे भी थोड़ा सा, अगर कोई आता है तो उसको अगर लंका ब्रिज के आसपास कहीं रहना है तो वो कहाँ रह सकते हैं। बाकी लॉन्ग वैली जाने में कितना टाइम लगता है? टाइम थोड़ा रास्ता डेंजर है थोड़ा सा, तो स्पीति जैसा है, मैंने सुना आराम चल के, ये मतलब मान के चलो आप 2-2.5 घंटे आने जाने में लगी जाते हैं। ठीक है जी, हम पहुँचे यहाँ शाम को, हम पहुँच गए थे अराउंड 7:30 बजे, 7:30, 8 बजे, 7:30 बजे थोड़े ही मिलने तक हमें 8 बज गए थे। चलो सही टाइम में आ गए यार। आज देख लो आप मार्केट को, आज छुट्टी थी, आप आज को पास नहीं मिल पाता, आज संडे है, ऑफिस आज भी पास नहीं मिलता, कल भी छुट्टी थी, ऑफिस बंद है आज ना, और सही हो गया आपने जो है सीढ़ी लिया लंच के बाद, जो आपने ले लिया है बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो आपको रुकना पड़ता, पर कल भी रुकना, आज भी रुकना, कल भी रुकना था, आज भी रुकना, पर कल तक। मेरा नाम हरीश है। ओके, आप यहाँ पे ये वाला रेस्टोरेंट चलाते हैं जी? बिल्कुल, GMVN के नए बन रहे कॉटेज के सामने है। और आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? ब्रेकफास्ट हुए है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। किचन का उन्होंने नेसेसिटी की सारी चीजें आपके पास हैं अवेलेबल, राइट? के पास आना, इसके लिए मैं भी
चलो भैया, आपका बचपन में ये रास्ता था? आपका बचपन में ये रास्ता था? पैदल कर रहा है। So, हाँ, यहाँ पे परमिट हमें सबमिट करनी है। परमिशन दे दो। किसको देनी है? यहाँ अंदर अंदर लिखना पड़ेगा। वो देखो उनके पास कैमरा है यार, आप मेरा मोबाइल है। नहीं नहीं, अगर आप कहोगे तो नहीं लेके जाएंगे। नहीं नहीं, चार्ज लगेगा ना, उसका लेके जाऊंगा। ठीक है, क्या चार्ज लगता है कैमरे का? पता नहीं, वो हैंडीकैम है वैसे तो, वो उसको यूज भी नहीं करना हमने, उसमें स्पेस भी नहीं है इतना। बंद करो ना आप इसको भी। नहीं, एक्चुअली मुझे ये अपलोड इसलिए करना है क्योंकि लोग को प्रोसेस पता चले। प्रोसेस तो पता चल जाएगी, हम बता देंगे, पर अभी तो आप बंद करो। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता, आओ मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हरे हल्के हल्के ये रंग झलके झलके, तू किस पे है करके भुला दे तू, कोई होले होले मेरे दिल से बोले, किसी का तो होले चल जाने दे कोई जादू। ये मंदिर बनाया है आर्मी वालों ने। एंशिएंट विलेज, एंशिएंट विलेज और ये उनका स्ट्रक्चर।
अब यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। हेलो, ऐसा है कि यहाँ पे 4 बजे ब्लास्ट करके रास्ता वस्ता और चौड़ा करना था, तो ड्रिलिंग वगैरह चल रही थी। हम आ गए हैं इधर से निलोंग से वापस आ गए हैं। ऑलमोस्ट भैरव घाटी से 10-15 किलोमीटर लॉन्ग। कितनी दूर होंगे भैया? कितनी दूर होंगे? लॉन्ग से 10 किलोमीटर आ चुके हैं। और ये ट्रक ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर आ गए हैं। तो मैं अपना जान बचाने के लिए जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हो गई लैंडस्लाइड, मतलब ड्रिल कर रहे थे तो उसकी वजह से पत्थर गिरने लगे। तो फिर उन्होंने बीआरओ वालों से पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उड़ा दो, ब्लास्ट कर दो। ब्लास्ट किया तो बहुत ज्यादा पत्थर गिर गए। तो अब वहाँ पे गिरे हुआ पत्थर लगे हुए, उसको निकालने में हो सकता है आज खुले, हो सकता है कल खुले, फंसे हुए हैं। तो ऐसा है कि इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी बात यह है इस मामले में कि जिन लोगों को लेके आई हूँ वो दोबारा नहीं आएंगे मेरे पास, ऊंचे बात मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात की जो ड्राइवर भैया है वो तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दुखी होने के बजाय एंजॉय कर ले, तो कम से कम डर तो नहीं लगेगा। मतलब वो ये कहें कि दुख रख करने में क्या रखा है। ठीक सलाह ये भी दी गई है कि दिल्ली वालों को अगली बार से देख के शीशे बंद कर दिए हैं। और पीछे वालों ने सलाह दी है ड्राइवर भैया को कि दिल्ली वालों को देख के शीशे बंद कर लो, पर किसी दिल्ली वाले को मत बिठाना। भैया कुछ कहना चाहोगे आप? बस क्या हमने क्या बोलना, हम तो फंसे पड़े हैं, क्या बोलें? कुछ तो बोलो आप। नहीं नहीं बोले क्या, पता नहीं 2 दिन बाद खुलते 3 दिन बाद खुलता रास्ता, क्या पता रहा? अब कितना बड़ा स्लाइड आ रखा ऊपर से ना, तो पता नहीं 2 दिन भी लग सकते 3 दिन भी लग सकते हैं, हम तो फंसे। एक्चुअली भैया कह रहे थे, एक्चुअली भैया का जो कंसर्न था वो कह रहे थे कि खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, मैंने कहा उसका इंतजाम तो हो गया। किसी को बोलो बोल के पीछे भी थोड़ा ब्लास्ट करने हो, किसी को बोलो बोल के पीछे भी ब्लास्ट करने हो। हम मतलब ना आगे जाए ना पीछे जाए, आगे तब तो फंसेंगे ना, मतलब ऑफिशियली। आप बताइए अभी कम से कम हम रिवर्स में जा सकते हैं। बताओ हमको बताओ। क्या निकाल रहा है इसका ये वाला, कुछ पहाड़ आप देख ही चुके हो कितने ज्यादा गिर रहे हैं? नहीं देख चुके हो तो दिखा देंगे, चल नहीं भी देखे तो पता। और मेरा कंसर्न ये भी है साथ में, सड़क भी टूटी हुई होगी शायद, तो क्या वो सड़क बनाएंगे या हमने रस्सियां बांध दिया, उसको जोड़ने का क्या प्लान है आगे का, देखते हैं अगले एपिसोड में। सो है तो ये मतलब कांड ही, लेकिन एज यूजुअल हम कांड एंजॉय करते हैं। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये इमरजेंसी वाला बटन मैं इसको दबाने कुछ होगा,
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसी वजह से, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं तो मेरे को लगता है अब एडवेंचर मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में या आगे अगर ये खुल जाता है रिश्ता तो देखते हैं यहाँ पे। और हाँ यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है नेटवर्क इतना नहीं है बताया जा सके। मैं आपको दिखाती हूँ आगे की हालत क्या है।